वेलकम बैक टू माय चैनल पैनमिस्टा व्लॉग्स। सो आई आप तो कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज देखो मेरे घर में कौन आया है, और आया है तो क्या लाया है आपको दिखाएं कौन आया है, भी दिखाते हैं कौन आया है। सो बताइएगा ये कौन है। ओके, आपने बहुत बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में। ओके, तो आपसे आप लोगों से मिलवाऊंगी। सो गाइस देखिए, आप लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि पहले पूजा करेंगे फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन आया है मेरे घर पे। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, पहले पूजा कर लें। पूजा माती टाइम हो चुका है पूजा का। ये देखिए दीदी दीपक जला रही हैं। आज मैं आपको पूरी आरती मतलब नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो ब्लॉगों में ऐसे ही दिखाया है पूरी आरती आज सबको दिखाई। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरी दीदी पूजा कर रही, बस इतना ही दिखाएंगे। और कौन आया है मेरे घर पे इसका सस्पेंस अभी बना रहेगा। ओके, सो वो भी आपको दिखाएंगे अभी, पहले पूजा हो जाए। तो गाइस पूजा हो गई है, और पूजा होने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। ये देखिए कॉफ़ी अपने लिए और दीदी के लिए। ये लग गया, मेरे सेंधू लग गया है। सो हम दो कप सिर्फ हम पियेंगे और दीदी पियेंगी कॉफ़ी, और कोई नहीं पिएगा कॉफ़ी, क्योंकि सबके लिए चाय हो चुकी है। क्योंकि जो नए मनाया था उनके लिए चाय बनाई थी, तो मैं पहले कॉफ़ी में थोड़ी सी खोलने लगे पहले कॉफ़ी। कॉफ़ी तब तक खोल रही है, तब तक चलते हैं। अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कौन आया है मेरे घर पे। गाइस देखिए कौन आया है, मेरी मम्मी आई हैं। मैं ब्लॉग बन रहा है। ये देखिए मेरी मम्मी आई हुई हैं, और ये लेके आई हैं सबनी। मेरी मम्मी और भैया दोनों आए हैं। इधर सासू माँ बैठी है मेरी। और ये लेके आई हैं सबनी। ये देखिए, क्योंकि मेरी पहली गुड़िया है, मतलब मेरी पहली तिजिया हैं, तो इसलिए ये लाई हैं। सो गाइस अब मम्मी आज लेके आई हैं सबनी, तो कल तो जाना ही होगा हम लोग को, मुझे। मैं जा रही हूँ अपने घर, और वैसे तो डैडी मतलब डैडी आते हैं, लेकिन डैडी तो मुंबई में रहते। हेलो बोलो। हेलो हेलो। मैं ब्लॉग आएगा तब देखना। दीदी भगोना क्यों लाई? दूध ठीक है, दूध बढ़िया है। दीदी दूध दिखाने आई है तो भाई जाओ। अरे दूध सही है, करना चाहिए। बताए थे ऋषि आए ना पे हमारे सुबह, इतना बढ़िया दूध हुआ वो तो उनके घर पे। बताओ दूध की चर्ची होने लगी यहाँ तो। और आज हमारे यहाँ रोटी बन रही है, वो भी गैस पे नहीं चूल्हे पे बन रही है रोटी। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ ऊपर जाने को, छत पे बन रही है रोटी। और रोटी बनाने वाले है रेनू दी, जो मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था आप सबको कि कौन कौन आया है, तो वही रोटी बना रही है। सो बने रही मैं यूट्यूब चैनल पे, अभी मैं दिखाती हूँ। ओके, अरे हिसाब हुई है, हम और वही और मुल्ला उनसे बैठे कर ही रहे हैं। अरे हिसाब हुआ है, हिसाब ऐसे ही पढ़ ले, वो कहते हैं लड़ाई। कॉफी पीने के लिए अब, और ये भैया मेरे पी रहे हैं। सो नहीं पाए, सो नहीं पाए।
विजय न्यू न्यू एसी लगवाई है, सो नहीं पा रहा है। देखे आदमी छोटे चना खाए, छोटे चना लाई ने, देखे आदमी बड़े चना खाए, वो बड़े नहीं लीजिए, आप फुले फुले के अपने अपने आदमी खवाओ। ये पता तो हमें छोटी मिल से चने बहुत फूल के वो नहीं नमक डाल के खाए हैं। नहीं तो बड़े वाले हैं और छोटे वाले चना है, दोनों गलाई कालिंदी के बड़े वाले ले जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग तीनों लोग बातें कर रहे हैं, हम दीदी और मेरी मम्मी तीनों लोग बातें कर रहे हैं। म्यूट आवाज़ कर दी इसलिए क्योंकि एक्चुअली हम लोग दुनियादारी वाली बातें करने लगे, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया आवाज़। तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, हम और दीदी, मम्मी चाय पी चुकी, मम्मी को कॉफ़ी पसंद नहीं है इसलिए हम लोगों ने अपने लिए अलग से कॉफ़ी बनाई, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, सुबह के टाइम चाय पीते हैं। आई लव कॉफ़ी एंड दीदी को भी बहुत पसंद है कॉफ़ी। गाइस ये देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आज चूल्हे पे रोटी बन रही है और रेनू दीदी बना रही हैं। आज का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रेनू दी आज क्या खाने में बना है बताओ? और बेसन की रोटी, जिसको खाना आ जाए। पहले नाश्ता रहा। गाइस देखिए हम लोग आए हैं छत पे, मम्मी को भी लेके आए हैं साथ में और दीदी हैं। दीदी पर्स नहीं, खाना बैगन का भरता, आलू का भरता और बेसन की रोटी मोटी मोटी, वो भी तो वो मेरी मम्मी खाएंगी भी और हम लोग भी यही खाएंगे आज, हम लोग यही खाना खाएंगे दीदी। तो आज हम लोग भी खाना यहीं पे खाएंगे और बहुत हो गया गैस की रोटियाँ, नीचे वही रूम में खाना वही बोरिंग सा। सो अब यहाँ हम लोग खाएंगे चूल्हे की रोटियाँ। सो अभी ये नीचे हैं, अभी जब ऊपर आएंगे तो इनसे कहेंगे कि ऊपर खाना खाओ, मुझे वहाँ नहीं खाना खाना है। तो आपको दिखा दिया कि आज क्या क्या सस्पेंस रहा, मम्मी का सस्पेंस रहा और रोटियों का मेरा सस्पेंस रहा है। और मेरी सासू माँ आ रही हैं, वो पापा जी को खाना खिला रही थी तो अभी वो आएंगी। So guys, अब हम लोग यहाँ बैठते हैं। ये कौन व्लॉग बना रहा है? मेरे साथ साथ कृष्णा भी व्लॉग बना रहा है। कृष्णा आप मेरे व्लॉग में आ रहे हैं? हाँ, ये देखिए मेरा अलग टाइप का कैमरा कर लिया। अच्छा आपने अलग टाइप का कैमरा किया और वाह वाओ। सो गाइस ये देखिए चूल्हा, किस किस को ज्यादा पसंद है चूल्हे की रोटियां? मैं तो बहुत दिनों के बाद खाई। नए वाले ससुराल का ऊपर का व्यू है ये, और यहाँ पे चूल्हा रखा गया है जो कि रोटियां सेक भी जाएंगी। यहाँ पे रोटी सेक चुकी है जैसे कि, सो गाइस ये है ऊपर का व्यू और ये है मेरी मम्मी बैठी हुई, मम्मी जा रही हैं। मम्मी जा रही हो क्या? तो गाइस मम्मी जा रही हैं अब मेरी बीच वाली सिस्टर के यहाँ केक कटवाने, जो आज उनका बर्थडे है इसलिए, और हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी तबीयत खराब, इसलिए इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मम्मी जा रही हैं अब और ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। अब जा रहे हैं अपने रूम में, मम्मी जा रही हैं घर, भैया लोग जा रहे हैं घर नहीं दीदी। चलो
सो गाइस हम लोग खाना खा रहे हैं। ये देखिए ऐसे रोशनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, तो तभी मैं दिखा रही हूँ। आलू का भरता है, रोटी है, प्याज है, मिर्चा है और खटाई अभी आ रही है। सो गाइस हम लोग और छत पे खाना खा रहे हैं। आज का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ऊपर खाना खा रहे हैं, आज बिल्कुल माहौल चेंज हो गया खाने का हम लोगों का। दीदी वो खा रही है खाना और नूदी बना रही हैं रोटियां, और हम और दीदी खाना खा रहे हैं। और मम्मी चली गई हैं घर, और सासू माँ अभी अब हाँ क्योंकि वो वहीं पे खाना अपने घर में रूम में ही खाएंगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और सच में है भी बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये देखिए छोटे साहबजादे बॉडी बना रहे हैं, और इनके पास फ़ोन कर दिया कि आ जाओ खाना खा लो आके, आज थोड़ी तबीयत इनकी सही है, उनको बोला है खाना खा लो आके, तो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ अभी। तो जब तक वो आ रहे हैं तो तब तक हम वेट कर रहे हैं। ओके सो गाइस खाना खा लें, फिर उसके बाद आपसे आप दू में मुलाकात होगी हमारी। ओके तो गाइस ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, और वो देखो मेरे हस्बैंड जी उधर हैं। खाना पीना हो चुका हम लोगों का। मेरे घर का छोटा सा गार्डन, सो गाइस ये देखिए हम भी थोड़ा सा बैठ गए हैं, और कैमरा दे दिया है तन्वी को जो व्लॉग शूट कर रही है। मम्मी कह रही है कि चलो अब, बहुत ज़्यादा गर्मी है ऊपर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम तो अच्छा है ही, बट फिर भी गर्मी तो गर्मी ही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे हम लोग आए वैसे तो हवा चलने लगी थी। तो ये देखो दीदी फ़ोन चला रही हैं, और ये प्लापे हैं, बहुत शैतान है प्लापे, ये तो हरदम मेरे पीछे पड़े रहते हैं प्लापे। ये देखिए अब हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, मैंने म्यूट कर दिया आवाज़ क्योंकि हम लोगों की बातें कुछ अलग ही टाइप की होती हैं, इसलिए म्यूट कर दी हम लोगों ने आवाज़। अब सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और खाना तो सबने खा ही लिया था, सिर्फ सासू माँ बच्ची है मेरी वो यहाँ खाएंगी क्योंकि गर्मी के मारे वहाँ खा नहीं पाई, तो ये यहीं खाएंगी और रेनू दी भी यहीं खाएंगी खाना, और जीजा जी का भी पता नहीं है क्योंकि ये भी काम कर रहे हैं कुछ वो। सो गाइस हम लोग खाना पीना खा के एकदम और आगे अपने रूम में, मेरे और मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों लोग ने खाना खा चुके हैं, वो छत पे ही खाना खा ले तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऊपर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लेकिन आना तो पड़ेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।